परम सन्मान्यो गुरुरु गुरु खालसा साह संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पंगाणी दे युद्ध जितण तो बाद पहाड़ी राजे बहुत डर गए सी। कहिंदे सन गुरु जी कित राज ही ना खो लैण। जदों उन्हां नूं इह खबर मिली कि गुरु जी पौंटा साहिब तो चल पए हन ते श्री आनंदपुर साहिब वल जा रहे हन, तां सारिआं ने सुख दा साह लिया। नाहन दा राजा गुरु जी दे दर्शन करना चाहुंदा सी, पर पहाड़ी राजां तों डरदा मारा ओह अभागा गुरु जी दे दर्शन ना कर सकिआ। ते गुरु जी ने उसनूं कायर कह के दर्शन देण तों मना कर दिता। गुरु जी ने 13 दिन रस्ते विच डेरा किया। जिथे गुरु जी ने डेरा किया सी उस स्थान नूं टोका साहिब दे नाम नाल जाणिआ जांदा है। उस थां विखे हुण सिंघां ने जगह बना ली है। सवेर होण ते सतगुरु जी घोड़े ते जद सवार हो गए तां नगारा वज उठिआ। सैना भी दो धारी शस्त्र धार के घोड़िआं ते सवार हो गई। ललकारे की आवाज़ सुन के नगर ग्राम डरदे सन। सैना दे चलण की धूम पैंदी सी ते पिंडां दे मुखिए आ के मिलदे सन। बहुत प्रकार दीआं उह भेटावां दिंदे सन ते मुख तों बेनती करदे सन। गुरु जी उहनां नूं निरभय रहण दा दान दिंदे सन कि उह किसी प्रकार की चिंता ना करन। बहुत दुध दही लै के आ के मिलदे सन ते श्री प्रभु जी दे मुख दे दर्शन करदे सन। दर्शन करके अपने नैणा नूं सफल होए समझदे सन। मानो सारी दुनिया की सुंदरताई इकट्ठी करके विधाता ने सुखां दे दाते भाव गुरु जी का शरीर बनाया सी। एक राणी दे पिंड का नाम रायपुर सी। राणी उत्थे राज करदी सी, जिसका पुत्र बहुत सुंदर सी। श्री आनंदपुर साहब वल जांदिआं उह पिंड नेड़े आ गया। सतगुरु जी का उधर आना सुन के वह राणी बहुत प्रसन्न हुई। उसने ये गल सुनी सी कि मनोकामना पूरी करते हैं जिहड़ा भी श्रद्धा धार के दर्शन करता है। हिरदे दे सारे भाव पूरे करते हैं ते भारी सुख प्राप्त हुंदा है। इस तरह का जस कन्ना नाल सुनिया उन्हां दे नाल भारी दल है ते एडे वड्डे समर्थ हैं कि जिस तों चाहुण धरती का राज खो सकते हैं ते जिसनूं चाहुण धरती का राज दे सकते हैं। जिथे रस्ता सी उत्थे निकल के बाहर अगे खड़ी हो गई ते श्री कलगीधर पातशाह जी नूं घोड़े उत्ते सवार हो के आउंदे वेख्या। सिर नीवा करके अते हथ जोड़ के जद नेड़े आई गुरु जी भावना नूं वेख के खड़े हो गए, जिहड़े अपने सेवकां दे सदा अधीन रहिंदे हन। जिथे रकाब विच गुरु जी का चरण कमल सी उत्थे अपना सिर टिका दिता। चरण कमलों उत्ते हाथ फेर के अपनी अखां ते मुख नूं लाया ते कहा, हे प्रभु जी, मैं आप जी दी सेवकण हाँ, मेरे ते किरपा करो, इत्थे उतारा करके अपना डेरा लाओ ते मेरी भावना पूरी करो। जथा शक्ति सेवा करांगी, यह मेरे दिल दी श्रद्धा है। अपने चरण कमलों नूं मेरे घर विच रखो ते मैनू दर्शन दिओ। रात ठहरो ते छोटी उम्र दे मेरे पुत्तर नूं अपने चरणां नाल लाओ। इस जगत विच मेरा बंस चले, सुख सहित यह वर प्राप्त करां। राणी दे हिरदे विच प्रेम वेख के गुरु जी मन गए ते गुरु जी ने हुक्म कीता, इत्थे डेरा होवे ते प्रभु जी चंगा स्थान वेख के उतर पए। तंबू शामियाने ताणे गए ते घोड़ियां नूं इक कतार विच बन्ह दिता, जिथे किथे सिख सूरबीर विश्राम करदे सन। राणी ने अंदर जा के घा दे दाणे भेजे ते सब प्रकार सेवा कीती। बहुत घिओ अते मिठा दिता, सूखम चावल ते मन पौंदा बहुत आटा दिता। सारी सैना ने बहुत प्रकार दे भोजना अते सब्जियां दा सेवन कीता। फिर अपने मनुखां नूं भेज के इस तरह बेनती कीती, सवेरे सारे सिखां नूं नाल लै के अंदर आओ, ओह सारे घर विच बैठ के भोजन छकण तां कि साडा घर पवित्र होवे। एक दिन होर गुरु जी इत्थे मुकाम करन, इह मेरे चित दी आस पूरी करन। प्रशादा छक के सारे सुख दी नींद सौं गए।
राणी ने सवेरे सवक्ते उठ के इशनान किया। माल पूड़े, कड़ा प्रसाद अते पूड़ियां बड़ी रीझ नाल तैयार करवाए। वड़े, कचोरियां दही विच पाए ते बहुत खीर तैयार कीती। घ्यो विच भुन के दो प्रकार के लम्मे चावल तैयार किए, जेड़े मिठे अते नमकीन बहुत सूखम प्रकार के सन। उन्हां विच अनेकां विधियां नाल मसाले अते मेवे पाए। बहुत प्रकार की रसोई तैयार कीती अते अति स्वादी भोजन बनाए। रसोईए बहुत चतर सन, उन्हां दे नाल राणी आप लगी। श्रेष्ठ बुद्धि वाली समझदार राणी उन्हां नूं अनेक रीतियां नाल समझाउंदी रही। इधर सतगुरु जी ने सवेर हुंदिया ही शौच इशनान किया ते फिर ध्यान ला के आनंद विच टिक गए, जिथे कोई होर भेद नहीं रह जाता है। फिर रबाबी आसा दी वार दा कीर्तन करन लगे ते शब्द दी धुनि बहुत शोभदी सी। बहुत राग अते रागणियां प्रसन्न हो के सुनाउंदे सन। चतुर सिख गुरबाणी का पाठ करते सन। श्री जपजी साहब अते श्री सुखमणी साहब आदि बाणियां पढ़ते सन, जिन्हां दे पढ़न नाल महान पुन प्राप्त हुंदा है। इस विधि नाल प्रकाश हो गया ते दिन चढ़ आया। गुरु जी ने अपने शरीर उत्ते वस्त्र धारण किए ते गुणी गहीर सतगुरु जी ने सारे शरीर उत्ते शस्त्र धारण कर ले। जिहड़े प्रधान मनुख सन उन्हां नूं राणी ने भेजा अते कहा, बेनती करके गुरु जी अते सारे सिखां नूं लै के आओ। वह सारे इकट्ठे हो के गुरु जी दे पास बड़े प्रेम नाल गए ते गुरु जी दे चरण कमलों ते वंदना कीती ते कहा, हे महाराज जी, किले दे अंदर राणी जी इंतजार कर रहे हैं। बहुत प्रकार के भोजन तैयार हैं। हुण कृपा करो, अपने सेवकां दी आशा पूरी करो, हिरदे विच आनंद दिओ। गुरु जी सारे सिखां नूं लै के उठ के चल पए। भाई दया राम, दीवान नंद चंद ते तिने भूआ जी दे पुत्रां नूं बुलाया, जिन्हां दे नां भाई माहरी चंद, भाई गंगा राम ते भाई गुलाब चंद सन। वह बड़े मनोरथ शरीर वाले सन। इस प्रकार सारे नूं अपने नाल लै के गुरु जी किले विच प्रवेश कर गए। राणी विशेष माण देण वास्ते उठ के अगे आई। राणी ने गुरु जी की आरती उतारी अते गुरु जी के चरण कमलों ते उसने अपने पुत्र का सिर टिका दिता। फिर आप अभिवंदना कीती ते दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुई। राणी ने अपने घर के अंदर बहुत प्रकार के विशाल फर्श विछाए हुए सन। एक सुंदर चंदन की लकड़ी की बनी हुई चौंकी टाही ते उस उत्ते शुभ वस्त्र विछाए। उत्थे गुरु जी नूं बिठा के होरनां नूं पास बिठा दिता। भोजन छकण वास्ते एक दूसरी चौंकी अगे डा दिती। साध संगत जी, दास ने उस जगह के दर्शन किए हैं। जदों आपां चंडीगढ़ तो श्री पौंटा साहिब जाते हाँ तो रस्ते विच रायपुर राणी शहर आता है, जिथे शहर के बिल्कुल अंदर अज भी पुराना किला मौजूद है। उस किले के अंदर छोटा जिहा गुरद्वारा संगतां ने रल मिल के बनाया है, जिथे अज भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया होया है। तो जिस जगह पर गुरु जी बैठे सन वह जगह अज भी उत्थे मौजूद है। जिन्हां संगतां नूं गुरु जी नाल प्रेम है वह अज भी उस रस्ते तो जाते हुए उस जगह के दर्शन करके गुरु जी दीआं खुशियां प्राप्त करदीआं हन। चार प्रकार के भोजन परोसे गए। यह चार प्रकार के भोजन इस प्रकार सन, भख चबे जाण वाले जैसे दाणे, तली हुई सुकी दाल, भोज खाधे जाण वाले जिवें रोटी पूरी माल पूड़े आदि, लेहज पीते जाण वाले जिवें दुध रस सरदाई आदि, चोस चूसे जाण वाले जिवें अंब आदि। राणी ने आप पास बैठ के शुभ थाल परोसिया ते ब्राह्मण पासों चुकवा के तुरंत लै के आई ते वड्डे प्रेम नाल गुरु जी दे अगे रख्या। रसोईया ने बहुत छेती करके सब दे अगे थाल परोस दिते ते बड़ी चंगी विधि नाल भोजन छकाया। सारे स्वादी भोजन छकन लगे। राणी पास खड़ी रही, आप ही पखा चल रही सी, इन्नी शरदा वधी सी। मिठे लूण वाले, खट्टे फिर करारे ते कसैले करेले
ਇਹ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਰਾਣੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਭਾਂਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛਕਿਆ। ਭੋਜਨ ਛੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੰਡਾ ਜਲ ਪੀ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਦ ਰਾਣੀ ਬੋਲੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਵੇਖ ਕੇ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹਨ? ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੁਣ ਤੋਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਮਹਾਨ ਬਣੇਗੀ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰਾਜ ਖੋ ਲਵੇਗਾ। ਤਦ ਇਹ ਜੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਫਿਰ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਢਾਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਢਾਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪਾਓ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅੱਗੇ ਧਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ, ਕਸ਼ਟ ਪੈਣ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮੇਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਧੂਪ ਨਿੱਤ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਢਾਲ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਛੁਹਾਏ ਅਤੇ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨੈਣ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹੋਈ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਰਾਣੀ ਜਦ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਹਾਨ ਮੂਰਖ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਤ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧੀ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਭ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੂਚ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।